नमस्कार श्रण, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ कि हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन स्मार्ट मोबाइल फ़ोन आते हैं, अगर देखा जाए तो जितने भी सारे स्मार्ट मोबाइल फ़ोन के कैटेगरी के जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं, अगर उस मोबाइल फ़ोन के अंदर चार्जिंग की प्रॉब्लम आती तो हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे, कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों, ये सारी जो मैं वीडियो आपको बना करके दे रहा हूँ, ये सारा हमारा चार्जिंग के टॉपिक के ऊपर पूरा वीडियो चल रहा है। ये चार्जिंग के टॉपिक के ऊपर स्मार्टफोन के माध्यम से जो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, इसी तरह से फिर हम आपको बोर्नियो सिमेटिक से या सप्लाई ट्रैक कैसे चेक किया जाएगा, सिमेटिक सर्किट को रीड कैसे किया जाएगा, या उसके माध्यम से चार्जिंग की प्रॉब्लम को कैसे रिपेयर किया जाएगा, वो भी मैं आपको कई सारी केस स्टडी में आपको समझाऊंगा, कई सारे मोबाइल फ़ोन के बारे में मैं आपको समझाऊंगा, ताकि जो ऐसे लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन की प्रॉब्लम को, जो चार्जिंग की प्रॉब्लम को बिल्कुल डीप लेवल से रिपेयरिंग करना चाहते हैं, तो वो लोग भी वीडियो देख करके आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। और इससे आपको ये अंदाज़ा लग सकता है कि मोबाइल फ़ोन में अगर सप्लाई या चार्जिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाएगा, या स्मार्टफोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम को कैसे रिपेयर करेंगे। आज मैं आपको उसका तरीका मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात, मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, कैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग होगी उसका तरीका सीखेंगे। उसके बाद मैं आपको उसका डायग्राम बताता हूँ, सर्किट समझाता हूँ, मदरबोर्ड में उसका प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ कि कैसे उसको प्रैक्टिकल में स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, यानी बोर्ड में चार्जिंग की प्रॉब्लम को चेक किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है कि स्मार्ट मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम आएगी तो उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, स्मार्टफोन में चार्जिंग की समस्या को चेक करने का तरीका क्या होता है, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की सप्लाई को किस तरीके से चेक किया जाएगा। तो आज दोस्तों अपना जो टॉपिक होने वाला है, स्मार्ट फोन चार्जिंग ट्रैक, कि हमारे पास जो स्मार्टफोन आते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है तो चार्जिंग की प्रॉब्लम को हम लोग कैसे चेक करते हैं, या एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग को चेक करने का तरीका क्या होता है। तो कह सकते हैं एंड्रॉयड एंड्रॉयड फ़ोन चार्जिंग, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम आएगी तो उसको कैसे चेक किया जाएगा, या आप कह सकते हैं कि एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग को चेक करने का तरीका क्या होता है, कि जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आते हैं तो सारे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की समस्या आएगी तो उसको स्टेप बाय स्टेप आप कैसे चेक करेंगे, या उसका चेक करने का तरीका मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात, जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आते हैं, सारे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग के लिए जो कंपनी लगाती है, ये 5 पिन का जैक लगा होता है, 1 2 3 4 5 5 पिन के जैक में से क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो ये वाली पिन आपकी माइनस हो जाती है और पहले नंबर की पिन क्या होती है, प्लस होती है। ये प्लस सप्लाई आगे जाती है, सबसे पहले बात कैपेसिटर लगा होता है, कैपेसिटर से सप्लाई आपकी चली जाती है, कई बार यहाँ पर एक डायोड भी लगा होता है। उसके बाद फिर सप्लाई आपकी चली जाती है यूआई जैक पे, यूआई जैक में ऐसे पिनें होती हैं, ये यूआई जैक से सप्लाई आपकी आगे जाती है, आगे जाने के बाद फिर आपका एक पत्ता लगा होता है, ये सप्लाई आगे चलती है और ये पत्ता लगा होता है, पत्ते के माध्यम से फिर आपके यूआई जैक में दूसरी साइड चली जाती है सप्लाई, ये पत्ते का ऐसे के बीच में गोला होता है जिस गोले को हम लोग बोलते हैं वी बस, वी बस का पॉइंट होता है, सप्लाई आगे जाती है, आगे सप्लाई जाने के बाद कंपनी इसके ट्रैक में एक लगाती है कैपेसिटर, कैपेसिटर से सप्लाई आगे जाती है और ये सप्लाई आपके आईसी आगे जाने के बाद ये सप्लाई आपकी जाती है ओवीपी आईसी पर, यहाँ पर बीच में आपकी लगी होती है एक आईसी, उसके बाद ये आईसी के बाद ये सप्लाई हमारी वापस निकलती है, फिर कैपेसिटर लगा होता है, यहाँ पर जो सप्लाई आती है चार्जिंग के माध्यम से सप्लाई आती है इस आईसी पे जाती है, ओवीपी के माध्यम से आगे निकलती है, इसे हम लोग बोलते हैं ओवीपी,
ओवीपी का पूरा नाम होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। उसके बाद सप्लाई आपकी आगे जाती है, आगे जाने के बाद सप्लाई आपकी चली जाती है BQIC के अंदर। ये BQIC क्या काम करती है, अपने पास से आउटपुट निकालती है जिसको हम लोग VBAT बोलते हैं, और ये आपका आउटपुट चला जाता है बैटरी कनेक्टर के अंदर। बैटरी कनेक्टर का एक हिस्सा माइनस होता है। उसके बाद ये BQIC अपने पास से सप्लाई एक और आउटपुट करती है जिसको हम लोग बोलते हैं VPH लाइन। यहाँ पर एक कॉइल लगी होती है, ये सप्लाई आगे चली जाती है तुम्हारी पावर IC को या अदर किसी सप्लाई को। अब देखिए यहाँ पर जो ये आपके मोबाइल फ़ोन, जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन होते हैं, सारे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग का ट्रैक होता है। अगर आप चार्जिंग की बात करेंगे तो जो भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन होते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं ये चार्जिंग का सिस्टम होता है। आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हिस्सा होता है इसे हम लोग बोलते हैं UI। क्या बोलते हैं दोस्तों? UI, यूजर इंटरफेस। उसके बाद यहाँ से लेकर के दोस्तों जो यहाँ तक आपका ये हिस्सा होता है, ये हमारे इसका मेन बोर्ड होता है। क्या होता है? हमारे इसका मेन बोर्ड होता है, मेन सप्लाई होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मेन बोर्ड। तो सबसे पहली बात, हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं उस मोबाइल फ़ोन में यदि चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है, चार्जिंग की समस्या आती है, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, मैं आपको पूरा डिटेल में आपको समझाता हूँ और सर्किट को आपको अच्छे से समझाता हूँ। फिर इस चीज़ को हम लोग बॉर्निंग सिमेटिक में भी देखेंगे, प्लेट में भी इसका प्रैक्टिकल करेंगे। यदि आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है जिस मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग से संबंधित अगर समस्या आती है, चार्जिंग की प्रॉब्लम को चेक करना चाहते हैं, चार्जिंग की प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं, तो चार्जिंग की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहला काम आपको करना होता है, पहला काम आपको क्या करना है, चार्जर लगाना होता है। यहाँ पर जो मैंने आपको जो जैक बताया, ये 5 पिन के जैक की जगह पर कई बार कंपनी ऐसा होता है यहाँ पर आपको Type-C का भी जैक लगा देती है। Type-C के जैक में से क्या होता है, आप देखेंगे बहुत सारी पिनें होती है, लास्ट वाली पिन जो होती है माइनस हो जाती है, और जो चौथे नंबर की पिन जो होती है वो क्या होती है, प्लस होती है। ये चौथे नंबर की प्लस जो होती है, ये सप्लाई यहाँ पर आती है और फिर आगे चली जाती है। तो चार्जिंग के कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, उस मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की समस्या आती है, तो चार्जिंग की समस्या को चेक करने का तरीका क्या है, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको मोबाइल फ़ोन में चार्जर लगा देना है। चार्जर लगाने के बाद जब आप चार्जिंग जैक में चेक करेंगे, तो चार्जिंग जैक में चेक करने पर, यहाँ पर चेक करने पर आपको 5 वोल्ट करंट मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों? 5 वोल्ट करंट। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट करंट मिलता है तो इसका मतलब क्या, चार्जिंग जैक सही है। अगर 5 वोल्ट करंट नहीं मिलता तो इसका मतलब क्या, चार्जिंग जैक खराब है। यहाँ पर भी आप चेक करेंगे तो यहाँ पर भी चेक करने पर आपको 5 वोल्ट करंट मिलेगा। अगर 5 वोल्ट करंट मिलता तो इसका मतलब चार्जिंग जैक सही है, नहीं मिलता तो चार्जिंग जैक खराब है। चार्जिंग जैक के माइनस वाली पिन में चेक करेंगे तो माइनस वाली पिन में चेक करने पर वी आएगी, प्लस वाली पिन में चेक करेंगे तो प्लस वाली पिन में चेक करने पर वैल्यू आएगी। अगर माइनस वाली पिन पे बीप नहीं आती तो माइनस को उठा करके आप जंपर ग्राउंड पे लगा सकते हैं। अगर प्लस वाली पिन पे वैल्यू नहीं आएगी तो प्लस का लाइन इसका मतलब होता है ख़राब हो जाता है, प्लस का लाइन ब्रेक हो जाता है। अगर प्लस वाले पॉइंट पे वैल्यू नहीं आती तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस वाली लाइन में चेक करते हैं, यहाँ से सप्लाई कैपेसिटर पर जाती है, डायोड पर जाती है, उसके बाद सप्लाई आपके चली जाती है UI के पत्ते पर। UI पत्ते के बाद सप्लाई फिर आपकी आगे जाती है, UI पत्ते से आगे चली जाती है, आगे जाने के बाद इस वी बस पॉइंट से जाती है, वी बस पॉइंट से होते हुए कैपेसिटर से OVP तक पहुंच जाती है। OVP क्या काम करती है, ये सप्लाई को प्रोटेक्ट करती है, आगे पास करती है। ये IC एक फ्यूजेबल IC होती है, ये फ्यूज की तरह काम करती है, ये सप्लाई को लेती है और सीधे आगे पास कर देती है। 5 वोल्ट करंट आपका यहाँ पर आता है, वही 5 वोल्ट यहाँ पर आकर के BQIC के अंदर आ जाता है। BQIC क्या काम करती है, उस सप्लाई को सबसे पहले VBAT के लिए आउटपुट करती है जिससे आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है। दूसरी सप्लाई एक और आउटपुट करती है जो VPH लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये 3.7 वोल्ट सप्लाई होती है। ये 3.7 वोल्टेज तुम्हारी पावर IC के लिए जाएगी और आपका मोबाइल फ़ोन ऑन होगा। तो जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आते हैं, सारे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग का ये सिस्टम होता है, या आप ऐसा कह सकते हैं चार्जिंग का तरीका होता है। किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आते हैं, अगर उसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम को चेक करना चाहते हैं, तो चार्जिंग की प्रॉब्लम को चेक करने के लिए सबसे पहला काम, आप उसके नीचे बोर्ड के UI को चेक करेंगे। पहली चीज़, जब आप चार्जिंग के उसके UI को चेक कर लेंगे, तो UI चेक करने के बाद वो सप्लाई आगे जाएगा,
आगे वोल्टेज जाएंगे, वोल्टेज वाई के आगे चले जाएंगे, बोर्ड से होते हुए पत्ते के दूसरी तरफ वी बस का जो पॉइंट होता है यहाँ पर वोल्टेज पहुँच जाते हैं। अगर मान लिया कई बार ऐसा होता है आपका यूआई खराब हो जाता है, ट्रैक खराब हो जाता है, ये बीच का पत्ता खराब हो जाता है, तो आप चाहो तो यहाँ से उठा करके वी बस तक डायरेक्ट जंपर मार दोगे, यहाँ से लेकर के वी बस पॉइंट तक डायरेक्ट जंपर मार दोगे, तब भी आपके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मान लिया तुमने जंपर मार दिया फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो फिर आप देखिए ओवीपी के आगे आउटपुट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अगर ओवीपी के आगे आउटपुट नहीं निकल रहा तो ओवीपी आईसी को उतार कर फेंक दीजिए, इस कैपेसिटर से लेकर के इस कैपेसिटर तक जंपर मार देंगे तो वो आईसी बाईपास हो जाएगी और सप्लाई चली जाएगी बीक्यू आईसी पर, फिर बीक्यू आईसी उसको आउटपुट करेगी वीबैट पर, ताकि मोबाइल फ़ोन में आपका चार्जिंग होगी। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम आएगी तो एंड्रॉयड फ़ोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम को चेक करेंगे। इसके अलावा और भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग के सीक्वेंस होते हैं, मैं आपको आगे आपको वो भी बताऊंगा। चलो इसको पहले मैं बोर्ड में आपको प्रैक्टिकल दिखा भी देता हूं और आपको समझा देता हूं। दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम आपको बना करके बताते हैं, इस फिगर को आप लोग अपने कॉपी में ड्रॉ भी किया करिए, ताकि उस ड्रॉ करने के माध्यम से आपको समझने को भी मिलेगा और सीखने को मिलेगा। तो हम लोग चलो चलते हैं अपने बोर्ड के ऊपर, अपने बोर्ड में इसका समझेंगे प्रैक्टिकल। जैसे आप देखेंगे मेरे पास ये रेडमी कंपनी का बोर्ड है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे पास बोर्ड है। इस बोर्ड को मैं इसको पीसीबी को इसको लेआउट पे आपको रखता हूँ और आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये देखिए ये दोस्तों हमारे मोबाइल फ़ोन का बोर्ड है, और इस बोर्ड में अगर आप लोग थोड़ा सा देखना चाहेंगे गौर से देखेंगे तो ये आपका डिस्प्ले जैक लगा हुआ है, ये आपका बैटरी कनेक्टर लगा हुआ है। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ आपको दिखाता हूँ, ये आपका आपका डिस्प्ले जैक लगा हुआ है, ये आपका बैटरी कनेक्टर लगा हुआ है, ये आपका यूआई जैक लगा है। तो आपकी जो 5 वोल्ट सप्लाई आने वाली है वो यहाँ पर आने वाली है। तो हम लोग थोड़ा सा यूआई जैक को बोर्ड में क्लियर कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जब आप नीचे यूआई लगाते हो, यूआई के द्वारा जब आपका पत्ता लगता है तो पत्ते के माध्यम से यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई आ जाती है। अब 5 वोल्ट सप्लाई कहाँ पर आ जाती है, मैं थोड़ा सा ग्राफिकली मैं आपको इसमें बना करके समझाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। चार्जर लगाने पर माइनस ग्राउंड हो जाता है, ये प्लस सप्लाई आती है। यहाँ पर बात आती है कि प्लस सप्लाई किस पे आएगी, इसको हम लोग बोलते हैं यूआई कनेक्टर। क्या बोलते हैं? यूआई कनेक्टर, जहाँ पर आपका यूआई कनेक्ट होता है। अगर आप इसमें देखेंगे सबसे मोटी पिन की अगर बात करेंगे तो सबसे मोटा पिन ये अगर पड़ रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे एरिया सिलेक्टेड है, 3-4 पॉइंट हैं। उस 3-4 पॉइंट्स के बाद आप देखेंगे ये सप्लाई यहाँ से होते हो, यहाँ से होते हो, इस गोले पे आ रही है। तो ये जो गोला वाला पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं वी बस। क्या बोलते हैं दोस्तों? वी बस। अगर मान लिया तुम्हारे मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है तो कहते सर हमको कैसे पता चलेगा? आपको पता करने का एक ही तरीका है, आप कई बार मोबाइल फ़ोन में देखेंगे तो इसमें स्टील के पॉइंट्स दिए होते हैं और स्टील के पॉइंट इधर दिए होते हैं, तो इसमें एक इधर का माइनस हो जाता है तो इधर का प्लस हो जाएगा, अगर इधर का माइनस हो रहा है तो इधर का प्लस हो जाएगा, कॉमन सी बात आती है। लेकिन अब अगर नहीं दिया हुआ तो आप इसमें देखेंगे इसमें सबसे मोटा पॉइंट कौन सा है, जो सबसे मोटा पॉइंट होगा वही तुम्हारा किसका होगा? चार्जिंग का पॉइंट होगा। तो चार्जिंग के पॉइंट के लिए आप अगर आप इसको टेस्ट करेंगे तो ये जो मोटा पॉइंट सर्कल दिख रहा है ये चार्जिंग का है, यहाँ से सप्लाई होते हुए इस गोले पे आएगी, इस गोले पे सप्लाई को हम लोग बोलते हैं वी बस का पॉइंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? वी बस का पॉइंट, मतलब वोल्टेज या बाइसिंग। यहाँ पर आप अगर चेक करना चाहेंगे तो चेक करेंगे, आपको 5 वोल्ट करंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर 5 वोल्ट करंट नहीं मिलता तो नीचे चार्जिंग जैक के प्लस से उठा करके आप सीधे यहाँ पर जंपर मार देंगे तो आपका यूआई है, पत्ता है, ये सारा चीज़ आपका डायरेक्टली हो जाएगा। फिर ये सप्लाई जब यहाँ पर आ जाएगा तो सप्लाई यहाँ से होने के बाद फिर आपका जाएगा बीक्यूआईसी पर। बीक्यूआईसी देखेंगे ये आपके मोबाइल फ़ोन में ये जो चारों तरफ लेग वाला आईसी लगा है इसको हम लोग बोलते हैं बीक्यूआईसी। ये बीक्यू चार्जिंग आईसी होती है। यहाँ से सप्लाई होते हुए ये आपको चली जाएगी इस कैपेसिटर पर जाएगी, कैपेसिटर को होने के बाद फिर सप्लाई जाएगी ओवीपी के अंदर। ये आपकी जो आईसी लगी इस आईसी को हम लोग बोलते हैं ओवीपी आईसी। क्या बोलते हैं दोस्तों? ओवीपी, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। फिर आईसी से करंट निकलता है और कैपेसिटर पर जाता है, कैपेसिटर से होते हुए ये आपका आईसी के अंदर इन हो जाता है, ये आईसी की स्पिन से, स्पिन से होते हुए आईसी के अंदर हो जाता है। तो यहाँ पर आईसी के अंदर आपका 5 वोल्ट करंट आ जाता है। जब 5 वोल्ट करंट आ जाएगा तो सबसे पहले क्या मैंने आपको बताया था, एक कॉइल के लिए आउटपुट होगा, फिर कॉइल से आगे आउटपुट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं वीपीएच लाइन, और उसके बाद दूसरा लाइन यहाँ से आउटपुट होगा, आउटपुट होने के बाद जिसको हम लोग बोलते हैं वी बैट लाइन। यहाँ से सप्लाई होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव वाले पॉइंट पर आ जाती है। तो ये आपके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग का पूरा क्या होता है,
सर्किट होता है कि चार्जिंग की सप्लाई यहाँ से चलते हुए वी बस पॉइंट से होते हुए कैपेसिटर पर जाती है। अगर कई बार तुम्हारी ओ वी पी आई सी खराब हो जाती है तो ओ वी पी आई सी को निकाल करके हम बाहर रख देते हैं और इसके जो दोनों पॉइंट्स होते हैं दोनों पॉइंट में हम लोग क्या कर देते हैं, जंपर मार देते हैं, मतलब इसके दोनों पॉइंट को क्या कर देते हैं, ऐसे आपस में शॉर्ट कर देते हैं और ओ पी आई सी को निकाल करके बाहर कर देंगे, मतलब इसको क्या करेंगे पी सी वी से डिस्कनेक्ट कर देंगे और इस कैपेसिटर को जंपर मार देंगे। जैसे जंपर मार देंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, अगर ओ वी पी के खराबी होने की वजह से चार्जिंग की प्रॉब्लम है तो। उसके बाद फिर सप्लाई आपकी वी क्यू आई सी भी जाती है, फिर वी क्यू आई सी वी बैट के लिए आउटपुट करता है और ये वी पी एच लाइन निकलती है। तो ये दोस्तों जो मैंने आज की वीडियो में मैंने आपको समझाया हुआ है कि जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आते हैं सारे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग का सिस्टम क्या होता है या एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरीके से जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं उस मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग का सिस्टम जो मैंने आपको समझाया हुआ है। सबसे पहले मैंने आपको बोर्ड के बारे में बताया है, इसमें पीसीबी में आपको मैंने सर्किट में आपको दिखाया हुआ भी है कि कैसे कैसे कहाँ पर सप्लाई चल रही है। आपका मेन पीसीबी है जिसको आप लोग वॉच कर रहे हैं। उसके बाद फिर इसका सर्किट सप्लाई क्या होता है, ये सर्किट सप्लाई के बारे में भी मैंने आपको बताया कि इस तरीके से हमारे मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग चलती है या चार्जिंग के लाइन की कनेक्टिविटी होती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है ताकि वीडियो के माध्यम से आप देख करके डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे पास कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आएगा या कोई भी मोबाइल फ़ोन आएगा हमारे पास ठीक होने के लिए, उसको हम लोग किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको चेक कर सकते हैं और उसको आसानी के साथ में रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग का तरीका सीखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, यही एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के चार्जिंग के तरीके को हम लोग सिमेटिक के द्वारा भी सीखेंगे कि सिमेटिक से कैसे चार्जिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या इसी बोर्ड को हार्डवेयर सिमेटिक के माध्यम से कैसे चार्जिंग के प्रॉब्लम को चेक किया जाएगा या बोर्नियो सिमेटिक के माध्यम से कैसे सप्लाई लाइन को चेक किया जाएगा, पीडीएफ के माध्यम से कैसे सप्लाई को ट्रेस करेंगे, ये हम लोग आगे के वीडियो में सीखेंगे। इसका आगे का पार्ट आपको मिलेगा, आज मैं फ़िलहाल आपको यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है। आप लोग इस वीडियो को देखें और वीडियो अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आती तो वीडियो को कम से कम एक एक दो दो बार वॉच करें ताकि आपके दिमाग के अंदर जो भी सारे डाउट्स हैं वो सारे डाउट क्लियर हो जाएं, क्योंकि जब आप एक ही वीडियो को दो बार चार बार पांच बार आप देखते हो तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाता है और आप टेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हो। ये वीडियो के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लोग कमेंट ये भी कर रहे हैं कि सर वीडियो के माध्यम से मुझे इतना सीखने को मिल रहा है कि मैंने कई सारे मोबाइल फ़ोन बनाए भी हैं और मुझे लगता था कि मैं वो सारे मोबाइल फ़ोन को नहीं बना सकता है। आज मेरे पास एक फ़ोन आया था कि आज एक स्टूडेंट थे हमारे, वो कह रहे थे कि मेरे पास सर एक मोबाइल फ़ोन ऐसे ही चाइनीज कंपनी का मोबाइल फ़ोन था, वो मेरे पास बनने के लिए आया था और उसके चार्जिंग के प्रिंट उखड़ गए थे, चार्जिंग के प्रिंट उखड़ गए थे, तो सर आपने जो चार्जिंग की सप्लाई का लाइन बताया था तो मेरे पास वो फ़ोन पड़ा था तो मैंने सोचा ऐसे बेकार नहीं बनेगा, लेकिन मैंने कहा लाओ सर आपका वीडियो देखा, फिर मैंने जो आपने जैसे जैसे बताया था वैसे ही मैंने मदरबोर्ड पर प्रैक्टिकल भी किया कि मैंने उसको माइनस वाली पिन को ग्राउंड से जोड़ दिया और उसकी जो प्लस वाली पिन थी तो वहाँ पर एक गोला दिया हुआ था उसमें लिखा था वी सी एच, तो मैंने प्लस वाले पॉइंट से लेकर के वी सी एच पॉइंट तक जंपर मार दिया तो उस मोबाइल फ़ोन से फट से उसमें चार्जिंग होने लगी। नहीं तो मैंने सोचा था कि मोबाइल फ़ोन उसका चार्जिंग का प्रिंट उखड़ गया तो मुझे लगता है कि अब मोबाइल फ़ोन बनेगा नहीं, तो मैंने उसको मोबाइल फ़ोन को ऐसे रख दिया था, कस्टमर को बोल दिया था कि उसका प्लेट ख़राब हो गया है, प्लेट का प्रिंट जल गया है, वो नहीं बनेगा और कोई दूसरा प्लेट आएगा तो मैं जुगाड़ करूँगा। तो कई बार कस्टमर लेडीज़ कस्टमर था, कई बार मेरे से वापस हो गया, लेकिन अब सर मैंने जब आपकी वीडियो के माध्यम से वो जब मैंने मोबाइल फ़ोन को बनाया तो उन्होंने मुझे बड़ा थैंक्स कहा और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि चलिए सर मैंने आपको जो चीज़ें आपको बताई जो आपको समझाई और आपको सीखने के बाद उनके अमल कर रहे हैं, अमल करने के बाद आप अपने उन मोबाइल फ़ोन को रिपेयर भी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं और आपको अच्छा भी लग रहा है। तो वीडियो में इतना ही सर, आज की वीडियो में इतना ही। और आज मैं कहना चाहता हूँ, आज हमारे पास एक स्टूडेंट हैं जो नौबस्ता के रहने वाले हैं, कानपुर के ही फ़िलहाल रहने वाले हैं और उन्होंने आज मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है और काफ़ी टाइम हो गया उनसे बात होते हैं, लेकिन उनके मदर की तबीयत ख़राब थी तो मदर की तबीयत ख़राब होने की वजह से उन्होंने काफ़ी दिन तक डिले रखा, फिर उन्होंने कहीं से अपना पैसों का अरेंजमेंट किया। वो लोग अकाउंटिंग की जॉब भी करते हैं, अकाउंटिंग की जॉब करने के बाद उन्होंने बोला कि सर हमको 8,000-10,000 रुपये अमाउंट मिलता है, उसमें से हमारा काफ़ी पैसा खर्चा हो जाता है, अब मैं चाहता हूँ कि कब तक ऐसे जॉब करता रहूँगा। दूसरी बात क्या है कि आपके वीडियो के माध्यम से कम 1.5 साल से मैं सीख रहा हूँ और मुझे आपकी वीडियो की वजह से मैंने घर पर आयरन भी खरीद लाया, स्क्रू ड्राइवर भी ले आया, छोटा मोटा जो रिपेयरिंग का जो सामान होता है जो मुझे जो दिमाग में करता रहा वो मैं खरीद लाया, उससे काम भी करना स्टार्ट किया।
लेकिन बस वही है कि जब तक हम किसी चीज़ को प्रॉपर अच्छी तरीके से सीखते नहीं हैं तो मुझे नहीं लगता कि मैं काम को कर सकता था। तो इसलिए सर मैंने आपके ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन किया। तो मैं उनके लिए बहुत सारी विशेष देना चाहता हूँ कि वो अगर उन्होंने यूट्यूब के माध्यम से वीडियो देखा है, उनको वीडियो में समझ में आया है, उसके बाद ही उन्होंने कोर्स को ज्वाइन किया है। तो आप लोग भी अगर इस तरीके से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप बिल्कुल आप अपने ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हो। ये ट्रेनिंग सेंटर जो है ये सागर मार्केट में पड़ता है। सागर मार्केट जो है कानपुर रेलवे स्टेशन के नियर अबाउट है। आप आराम से पैदल के डिस्टेंस है, आराम से आ सकते हैं। ये पूरा मोबाइल फ़ोन की मार्केट है। दुनिया जान का कोई भी मोबाइल फ़ोन ख़राब होता है, अगर वो कहीं नहीं ठीक होता या उसका सामान नहीं मिलता या कोई भी टेक्नीशियन अगर कानपुर भर के अंदर ये कह देता है कि भाई ये मोबाइल फ़ोन ख़राब है और मोबाइल फ़ोन ख़राब होने के बाद इसको ठीक कराना है, तो दो चार कल ठीक होगा, आज नहीं मिलेगा, कल ठीक होगा, कल मिलेगा, तो वो लोग कहते हैं ठीक है कल मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, लाओ फ़ोन, लाओ फ़ोन को लेकर के तुरंत सागर मार्केट दौड़ जाते हैं और सागर मार्केट आते हैं, यहाँ मोबाइल फ़ोन बनवाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ढेरों काउंटर हैं जहाँ पर मोबाइल फ़ोन रिपेयर होते हैं, बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर मोबाइल फ़ोन का सामान बेचने का काम करती हैं, कोई सामान सेल करने का काम करती है, होलसेल पे भी सारा काम सब कुछ यहाँ पर मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा बाजार है। तो अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल ट्रेनिंग सेंटर को विजिट कर सकते हैं। अगर आप दूर के रहने वाले हैं, अगर ट्रेनिंग सेंटर को नहीं विजिट कर सकते तो किसी भी टाइम पर जब भी आप फ्री होते हैं तो हमारा जो नंबर दिया हुआ है 6391711 इसमें से किसी भी नंबर पर आप बात करेंगे, आपकी मुझसे बात होगी या तो हमेशा से बात होगी, जो आपको पूरे कोर्स के बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। और आपको चाहो तो आप वीडियो कॉल के माध्यम से देख भग सकते हो कि कैसे क्लास होती है, किस तरीके से आपको सिखाया जाता है, क्या क्या सारी बातें सिखाई जाती हैं, रहने की सुविधा क्या है, खाने की मेन्यू व्यवस्था क्या है। या आप ये भी देख सकते हैं कि आपके साथ नज़दीकी के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोर्स भी कर रहे होंगे। मैं आपको बताऊं, एक बार ऐसे ही हुआ था कि मेरे पास एक उड़ीसा के स्टूडेंट थे, वो सीखने के लिए आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि सर हमको कोर्स सीखना है। बाद में ऐसा हुआ कि जब मैंने उनको वीडियो कॉल के माध्यम से जब मैंने उनको स्टूडेंट को दिखाया तो उन्होंने एक बच्चे को पहचान भी लिया, कह अरे सर ये तो हमारे यहाँ का रहने वाला है। उन्होंने फिर बात करी, बात करने के बाद एक दूसरे का कन्फर्मेशन हुआ, फिर उन्होंने 5-7 दिन बाद उन्होंने फटाफट उन्होंने टिकाला निकाला, वो भी ट्रेनिंग के लिए आए। तो सर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आपके यहाँ बहुत दूर दूर के बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई स्टेट का बच्चा नहीं जो यहाँ पर ट्रेनिंग ना ले रहा हो या सीख करके ना गया हो। तो अगर आप सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप बेशक आप कॉल करें और कॉल करने के बाद इन्फॉर्मेशन लें, जानकारी लें, अपने बच्चों से बात करें और यहाँ पर वीडियो कॉल के माध्यम से देखें कि कैसे क्लासेस चल रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद और वीडियो को शेयर करें, चैनल से सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें ताकि अपडेट वीडियो आपको मिलती रहे। कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में सुझाव दें। उसमें से आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखें कि आप जो सारा चीज़ सीख रहे हैं, सीखने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो एक पॉजिटिव कमेंट करें ताकि हमको भी उन सब चीज़ों के बारे में पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरी बात, क्या वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे कुछ ऐसे प्री स्टूडेंट हैं जो हमारा वीडियो को देखने के लिए बिल्कुल वेट करते रहते हैं, ये वेट करते रहे हैं। उसमें से 2 स्टूडेंट का मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक स्टूडेंट है जो जिनका मैं नाम नहीं जानता, वो जाने अनजाने में हमारे स्टूडेंट हैं कि नहीं हैं ये बात हम नहीं जानते, क्योंकि ये बात तो हम तभी जानेंगे कि जब वो वीडियो कॉल से हमसे संपर्क करेंगे या हमको कॉल करेंगे या हमको पर्सनली मैसेज करेंगे। उसमें से एक दीपक नाम के स्टूडेंट हैं जो जाने अनजाने में हमारे स्टूडेंट हैं कि नहीं, हम उनको नहीं जानते। अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा मैसेज के जरूर रिलाइज करिएगा। और एक मोबाइल रिपेयर करके जो आईडी है वो भी हमारे स्टूडेंट हैं कि नहीं है, लेकिन एक बात तो ये बात है कि वो हमारे प्रेमी ज़रूर हैं। अगर प्रेमी ना होते तो आदमी कहते ना, इंसान ज़िंदगी में दो ही लोगों को लड़ता झगड़ता है, एक तो उससे लड़ता झगड़ता है जिसको जानता है और एक तो उससे लड़ता झगड़ता है जो उसका दुश्मन होता है। दुश्मन का मतलब अगर देखा जाए तो वो भी पहले दुश्मन वही ज़िंदगी में बनता है जो सबसे अच्छा दोस्त होता है या भाई होता है या रिलेटिव होता है, या कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक दोस्त से ज़्यादा, एक भाई से ज़्यादा, एक जानने वाले से ज़्यादा एक दुश्मन की अहमियत होती है, क्योंकि वो सबसे पहले होता है। कहते नहीं इंसान दोस्त फ्रेंड में से दुश्मन वही बनता है जो सबसे पहले होता है। तो जाहिर सी बात है पहले आदमी को वरीयता पहले होनी चाहिए।
और आप लोगों को भी मैसेज करने के लिए बहुत स्पेशल धन्यवाद, क्योंकि आप लोग भी एक मैसेज करते हैं। क्योंकि इंसान के दिमाग में दो ही तरह के विचार होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव, दूसरे होते हैं निगेटिव। तो हर एक आदमी अपना स्ट्रेंथ फीडबैक देता है। दूसरी बात क्या है, कहते नहीं कि जब दुनिया जान में एक बार समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से अमृत भी निकला था, विष भी निकला था। तो अमृत तो सब लोगों ने पी लिया था, लेकिन विष को किसने पिया था? विष को भोले बाबा ने पिया था। क्यों उन्होंने पिया? ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने पी लिया तो मर गए, जिंदा रहे। लेकिन उन्होंने एक अपनी वरीयता जरूर दिखाई कि इस विष को उन्होंने पी लिया। तो इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे कि आप लोग कमेंट करते हैं, हमको मिलता है, अच्छा लगता है, और आपकी तरफ से एक पॉजिटिव रिप्लाई आता है तो भी अच्छा लगता है। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आप लोग जो ये अपना पॉजिटिव मैसेज कर रहे हैं तो ये जरूर करें। आप लोगों से धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।